पैड से आप किसी भी कंट्री का नाम सोच सकते हो। जैसे कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, सिटी है आबू धाबी और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो कंट्री का नाम सोचना है, सिटी का नाम नहीं सोचना है। अब ये जो कंट्री है इसका जो पहला अल्फाबेट है, मान लीजिए अगर वो बी है तो उसका अगला अल्फाबेट क्या होता है, सी। उसके अगले अल्फाबेट से आप किसी एनिमल का नाम सोचिए, बर्ड का नहीं सोचना है, एनिमल का सोचना है। उसकी पूरी इमेज को देखिए जैसे कि आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं अपने माइंड में। अब उसके अंदर कलर भरिए। अब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, फॉर एग्जांपल अगर पीकॉक आया है आप लोगों के माइंड में तो ब्लू कलर भी आ रहा है, ग्रीन कलर भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ब्लूइश ग्रीन। जब सबका हो जाए तो थम्स अप कर देना, आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है और कोशिश करी है कि मैं आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकूं, यानी कि मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग कनेक्ट हो जाए, आपस में अलाइन हो जाए। अब मैं बताता हूं आप लोग क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे थे एक बड़े से ग्रेइश ब्लैक कलर के एलिफेंट के बारे में जो डेनमार्क, अरे पूरा तो होने दो, रुको 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 रुको, पूरा तो होने दो, जो डेनमार्क में है। अब कुछ मैं ऐसा अटेम्प्ट करने वाला हूं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा एडवांस्ड है मेंटलिज्म के अंदर, क्योंकि इसमें मुझे आप में से किसी एक के माइंड के अंदर घुस करके उसके मोबाइल का पासवर्ड पता लगाना होगा। वॉलंटियर ऐसा होना चाहिए जिसके पास में अभी अपना मोबाइल फोन हो, ठीक है, पिन कोड से मोबाइल फोन ओपन होना चाहिए और वो पिन कोड 4 डिजिट का होना चाहिए। अब हाथ ऊपर करो, कितने हैं, ठीक है, ये लोग सब खड़े हो जाओ। और आप लोग यहां पर आना चाहते हो, ठीक है, एक तरीका है कि मैं चूज करूं, बट वहां पर पार्शियलिटी हो सकती है, हो सकता है वो बंदा पहले से मैंने डिसाइड किया हो, वो मेरा ही बंदा हो जो ऑडियंस में मैंने बिठा रखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए इसको पूरी तरह से लक के ऊपर छोड़ देते हैं, किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं क्या करूंगा, पेपर से एक एरोप्लेन बनाऊंगा, सिंपल पेपर है, और उसको आंख बंद करके ऐसे उछाल दूंगा, एरोप्लेन बन गया, बीच में आके फेंकूं, ठीक है, डन, रेडी 1 2 3 गो। क्या नाम है आपका? शिव। शिव नाम है आपका? तो शिव आपने क्रैक कर लिया कि मैंने क्या किया उनके साथ में, और आपने पासकोड समझ लिया, ऑब्जर्व किया सर। हाँ, आपने ऑब्जर्व किया और सारा समझ लिया, यस, ठीक है, यस सर। अब अपना मोबाइल निकाल लो, आप करो ऑन करो। अच्छा ये बताओ, आपका तो पासकोड नहीं पता ना किसी को? नो सर। आप कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा ना यहाँ पर? भाई कहीं यही चलता रहे। आप माइक दे दीजिए, क्योंकि आई डोंट वांट के कुछ आपकी विस्परिंग या कुछ भी होता है ना, सटल सेंसेशंस होती हैं, तो वो माइक में कैप्चर हो या कुछ भी हो। आंखें बंद कर लीजिए। अब आप इमेजिन करिए कि मैं और आप बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों साथ में एक बेंच पर बैठे हैं, स्कूल की बेंच पर, और सामने ब्लैक बोर्ड है, और एक सबसे खड़ूस हमारी जो टीचर है वो वहां पर है, हमको डांट रही है दोनों को। अब वहां पर वो जो खड़ूस टीचर है गुस्से में वहां पर बोर्ड पर उन्होंने आपके जो 4 डिजिट्स है मोबाइल के वो लिख दिए हैं। मन में आप एक एक डिजिट को देखोगे और जोर से बोलोगे मन में। अब एक डस्टर लो और उन नंबर्स को देख करके मिटा रहे हो। बोर्ड क्लीन है, क्लियर है, बोर्ड पे कुछ नहीं है, ठीक है, आप आराम से जाकर के बैठ जाओ। अब मैं अपने मोबाइल का पासकोड जो कि अभी है 1408 उसको मैं चेंज कर रहा हूं। आओ ट्राई करके देख लेते हैं, आ जाओ। ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं आपको दे रहा हूं, यूजुअली मैं किसी को देता नहीं हूं, बट आप ले सकते हो। नहीं दे नहीं रहा, मतलब परमानेंट गिफ्ट नहीं कर रहा हूं, अभी के लिए दे रहा हूं। हाँ आपने थैंक यू ही बोल दिया है। एक एक करके हम एंटर करेंगे। पहला मुझे क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है, लास्ट कुछ भी हो सकता है, बट मैं एंटर करने वाला हूं, आप मेरे में भी कर दो।
नहीं 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 हुआ, एक मिनट ये डिलीट करता हूं यार ये। हाँ ठीक है, 996 और लास्ट है 6। ऐसा मत करो, मेरा ओपन हो गया, एक बार चेक कर लो, एक बार लॉक करो, लॉक करो, ओपन करो, नीचे से होता है। हाँ हाँ करो, कन्वर्ट करूं। आसान और मुश्किल क्या होता है, क्योंकि कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो मेरे लिए मुश्किल हो आपके लिए आसान हो। यस सर। ऐसा होता है नहीं होता है? सेशंस की बात करते हैं, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये आपके लिए आसान है मुश्किल है? मुश्किल है बहुत। तो ये आसान और मुश्किल होता क्या है? इट्स ऑल अबाउट एक्वायरिंग द राइट काइंड ऑफ स्किल्स, नॉलेज, माइंडसेट। फॉर एग्जांपल, आपके सामने अभी लाइव एग्जांपल अभी आपने देखा इस सेशन से जस्ट पहले, देखा नहीं देखा? मैंने यहां पर आ करके मेंटलिज्म का एक एक्ट परफॉर्म किया। पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मेंटलिज्म का एक्ट मैंने परफॉर्म किया, ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये एक साइंस है, आर्ट है, जो कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में जाकर के अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे मेरी एज आज की डेट में 42 है, तो इस एज में लोग बोलते हैं अब मेरी सीखने की उम्र नहीं है, सिखाने की उम्र है। तो पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप हमेशा लाइफ में, कुछ भी एज हो जाए आपकी, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल, व्हाटएवर योर एज इज, अगर वहां तक पहुंचते हो तो अगर आप 1000 साल के भी हो गए तो माइंड में क्या होना चाहिए कि मुझे सीखना है, कुछ सीखते रहना है। ध्यान से सुनना, अब ये बिल्कुल एंड पार्ट आ गया इस पूरे क्वेश्चन का, ये जो मैं आंसर दे रहा हूं आपको, अब ये कंक्लूजन है। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस या माइंडसेट? कितने बोलते हैं माइंडसेट, हाथ ऊपर करो। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, सारा खेल ही माइंडसेट से शुरू हो रहा है। तभी तो मैंने बिल्कुल जड़ को जाकर के अटैक किया है अपने सेशंस में, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो। जड़ क्या है, अभी आपने क्या बोला, मुश्किल है, मुश्किल है, यही तो जड़ है इंपॉसिबल की। अगर मैं पहले ही ये एक्ट किसी को करते हुए देखता और मैं बोल देता हूं ओ ये तो बहुत मुश्किल है, तो क्या होता, तो मैं कहता ये मेरे बस का नहीं है, छोड़ो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने देख करके क्या बोला, आसान है, आसान है। मेरे को सिर्फ सीखना है, फिगर आउट करना है कि आसान कैसे है, क्रैक करना है, तो आई हैव टू क्रैक इट। तो मैंने हाथ पैर मारा, कहीं पे मेरे को इन्फॉर्मेशन सही मिली, कहीं नहीं मिली, फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, थोड़ा सा स्टडी किया, तो धीरे धीरे वो आसान होता चला गया। और देखो आज मैंने आसानी से ही करा, आई थिंक कोई बहुत मुश्किल से तो नहीं करा ना इस एक्ट को परफॉर्म, लगा कि कोई बहुत मुश्किल से कर रहा हूं। वो शिव भाई